लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकट परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकट परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच की 28 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना, ये सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे और आखिरी दम तक हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो लक्षण की कहा जरूरत है? आप रिन्यूअल कर रहे जी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पर जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उनने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उनने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। उन्हें 3 साल से कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी, आज भी हमारी कमेटी है, हम अकेले न सरकार से बातचीत करेंगे। हमारी कमेटी हमारे 40 लीडर संयुक्त मोर्चा के हैं, सरकार को बात करनी है तो उनसे सरकार बातचीत करे। हम किसानों के साथ में रहेंगे, मरते दम तक किसानों के साथ में रहेंगे। अपनी जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद, आपने बात सुनी। 21 तारीख की तैयारी करना, 1 साल की फसल आंदोलन में लगानी पड़ेगी, किसान हड़ताल करनी पड़ेगी, आंदोलन में लगानी पड़ेगी। 1 साल ये मान लेना कि हमारी फसल नहीं हुई, उस फसल को आंदोलन में लगाओ, अपने ट्रैक्टर में डीजल डाल लो, नशे पत्ती से दूर रहो। और जो लोग नशा करते हो आंदोलन में जाकर, बड़ा मेहरबानी करके ऐसा मत करो, मीडिया सोशल मीडिया ये सब आपके खिलाफ लिखेंगे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की दिखाने की। आपके खिलाफ निगेटिव दिखाएंगे, और जो चैनल आपके खिलाफ निगेटिव दिखावे उसका कनेक्शन काटो, टीवी देखना बंद करो, ये जो डिबेट चल रही है इनको देखना बंद करो। जिंदा रहना है तो खेत में काम करो और आंदोलन पर ध्यान करो। आप जब भी जिंदा रहोगे, ये संघर्ष अभी 8 साल और चलेगा, अभी ये संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीच के बचेंगे, बीच के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे, बीच बीच के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनी के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार, यहां पे देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं, और बड़ी मार्केट बनेगी, यहां पे बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ, बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है, यही हाल यहां पर होना है। तो आप अपना तैयार रहो, पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना, आंदोलन हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।